ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः। इंडियाज फॉरेन ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। अभी तक हमने पढ़ा था कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे, स्वतंत्रता के समय, स्वतंत्रता के पहले कैसा था, कैसी स्थिति थी व्यापार की। अब इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में विदेशी व्यापार में क्या परिवर्तन आया। तो फर्स्ट, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। वॉल्यूम मीन्स क्वान्टिटी, ट्रेड की मात्रा, व्यापार की मात्रा, क्वांटिटी में भी, वैल्यू में भी। वैल्यू का मतलब उसका जो मान है, ठीक है, मौद्रिक मान, उसमें भी और वॉल्यूम मात्रा में भी क्या फर्क आया। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्लान पीरियड में कैसे चेंज आया। यहाँ वॉल्यूम ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग डिफरेंट प्लान पीरियड्स, यहाँ पे सबकी वैल्यू दी गई है अलग अलग प्लान पीरियड में, अलग अलग योजना के अंतर्गत एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में क्या था, क्या चेंज आए। ये कौन है जो माइक ऑन किए थे? तो शुरुआत में फर्स्ट प्लान से देख रहे हैं, फर्स्ट प्लान में तो बिल्कुल कम ही है। वैल्यू ऑफ इंपोर्ट वाज 3,651 करोड़, एक्सपोर्ट 3,109 करोड़, टोटल 6,760 करोड़। ये हुआ हमारा फर्स्ट प्लान का। फर्स्ट प्लान से अगर हम कंपेयर करें 12th प्लान में, तब देखो क्या हुआ, 1,31,89,647 करोड़, ये हमारा क्या हुआ, इंपोर्ट आयात हुआ। 1,31,89,647 करोड़ का आयात, 90,485 करोड़, ये हुआ हमारा एक्सपोर्ट वैल्यू निर्यात। टोटल 2,21,91,132 करोड़ रुपीज। इतना हमारा इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 के अकॉर्डिंग, ये हमारे सारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की वैल्यूज हैं। तो हम देख रहे हैं हर प्लान पीरियड में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों बढ़ा। देयर इज इंक्रीज इन बोथ वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एंड वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट। सेकेंड प्लान में एक्सपोर्ट कम हुआ है, थर्ड में और कम हुआ है, उसके बाद अब ये बढ़ रहा है, ठीक है। इंपोर्ट सिक्स्थ प्लान में कम हुआ, उसके पहले से लगातार ये बढ़ रहा है। तो इस तरह से हम चेंज देखें, अगर परसेंटेज में देखें, then we can see there is very high change in export value as well as import value, आयात और निर्यात दोनों की मात्रा में बहुत ज़्यादा change दिख रहा है अगर हम percentage के रूप में देखें। But this change is because of base effect, ये जो change है केवल base effect की वजह से है। अगर हम देखें first plan से और 12th प्लान के बीच में, सो इन फर्स्ट प्लान टोटल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट वाज रुपीज 6,760 करोड़, एंड नाउ इट इज, मींस इन 12th प्लान इट वाज रुपीज 2,21,91,132 करोड़। इतना ज़्यादा डिफरेंस हमें दिख रहा है, ये 3,282 गुना है, 3,282 times our trade has been increased since 1951, since first plan, पहले plan से लेके अब तक 3,282 गुना बढ़ गया है।
लेकिन ये क्यों बढ़ा है? ठीक है, इसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का भी लिखा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में है कैसे। तो एक्सपोर्ट नहीं, इंपोर्ट हैज बीन रिजन बाय 3612 टाइम्स, 3612 गुना हमारा आयात बढ़ा है, एंड इन एक्सपोर्ट 2895, निर्यात हमारा 2895 गुना बढ़ा है। ठीक है, अब देखो ये हुआ कि अब बेस इफेक्ट की वजह से इतना चेंज दिख रहा है। अगर कोई चीज़ पहले से ही काफ़ी लो है, ठीक है, अगर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट वाज एक्सट्रीमली लो ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, दैट्स वाई वी कैन सी दैट देयर इज ए वेरी हाई डिग्री ऑफ चेंज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी और वैल्यू, अगर हम मात्रा के रूप में, उनकी मान के रूप में या प्रतिशत के रूप में देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आ गया है। हजार हजार गुना, 3000 गुना अपना एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बढ़ गया है। ठीक है, लेकिन ये क्यों बढ़ा है? बेस इफेक्ट की वजह से। अब बेस इफेक्ट क्या का क्या मतलब होता है? ठीक है, सो बेस इफेक्ट मीन्स चेंज फ्रॉम द वैल्यू ऑफ बेस ईयर, बेस ईयर वैल्यू टू प्रेजेंट टाइम वैल्यू, बेस ईयर की जो वैल्यू थी और प्रेजेंट टाइम की वैल्यू जो है उसमें जो परसेंटेज चेंज आया है उसके प्रभाव को बोलते हैं बेस इफेक्ट। ठीक है, तो ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर प्लान आवर इंटरनेशनल ट्रेड वाज एक्सट्रीमली लो, हमारा पहले प्लान के समय बहुत नीचे था, बहुत कम था अपना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। सो इफ देयर इज अ लिटिल चेंज वी कैन सी दैट वी हैव अचीव्ड अ वेरी हाई डिग्री ऑफ चेंज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, अगर इसमें तो थोड़ा सा भी बढ़ता है एब्सोल्यूट वैल्यू में, थोड़ा सा बढ़े तो प्रतिशत के रूप में लगता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। फॉर एग्जाम्पल, एक एनी पर्सन, एनी स्टूडेंट हैज गॉट 1 मार्क्स आउट ऑफ 50 इन एनी एग्जाम, एंड इन नेक्स्ट एग्जाम इन द सेम सब्जेक्ट ही गॉट 10 मार्क्स आउट ऑफ 50। सो वी कैन सी देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ चेंज, देयर इज ए चेंज ऑफ 10 टाइम्स, 10 गुना परिवर्तन हुआ है, और देयर हैज बीन एन इंक्रीज ऑफ 900%, 900% की वृद्धि हुई है या 10 गुना उसके मार्क्स बढ़ गए हैं। ऐसे सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, मार्क्स है या मार्क्स जो हैं 900% बढ़ गए हैं, बट द स्टूडेंट इज स्टिल फेल, अभी भी वो जो स्टूडेंट है वो फेल ही है। ठीक है, 33% चाहिए पास होने के लिए, मीन्स द स्टूडेंट्स नीड्स मिनिमम 70 मार्क्स टू क्वालिफाई द एग्जाम। अब एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए इतना चाहिए वो भी नहीं है उसके पास, तो इतना ज़्यादा इसमें जो चेंज दिख रहा है किस वजह से दिख रहा है, क्योंकि उसके जो मार्क्स हैं पहले से ही कम हैं। तो ऐसा ही हमारे साथ है, हमारा जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो है वो पहले से ही काफ़ी लो है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कैन सी दैट देयर इज वेरी हाई डिग्री चेंज इन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, आयात हो या निर्यात हो, उसमें काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन दिख रहा है। सो नाउ व्हाइल ओवर टाइम इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट हैव टेंडेड इंडिया शेयर टेंडेड टू राइज, अब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों बढ़ा है, बट इंडिया शेयर इन ग्लोबल ट्रेड मीन्स वट एवर इंटरनेशनल ट्रेड हैज बीन डन बाय डिफरेंट कंट्रीज इन द सम टोटल ऑफ दैट द शेयर ऑफ इंडिया हैज बीन डिक्लाइंड,
जितना भी पूरे वर्ल्ड के सारे जितने भी देश हैं मिलके जो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर रहे थे, लेन देन कर रहे थे, उसमें अपने देश का प्रतिशत शेयर देखें तो वो कम हुआ है। वॉल्यूम तो बढ़ा है, मतलब इसका मतलब अभी यही हुआ कि हम तो अभी वैल्यू के रूप में यहाँ पे देख रहे हैं 3000 गुना एक्सपोर्ट बढ़ गया, इंपोर्ट बढ़ गया। लेकिन जो अगर दूसरे देशों से कंपेयर करें तो हम जो दूसरे देशों ने जितना चेंज लाया है हम उतना चेंज नहीं ला पाए हैं। ठीक है, आवर शेयर हैज बीन डिक्लाइंड फ्रॉम 1.8% टू 0.5%। बहुत पीछे चले गए हम, कहाँ पे 1.8% यानी 100 में से 1.8 रुपीस का लेन देन, 100 रुपए का अगर पूरे वर्ल्ड में लेन देन हुआ है तो उसमें 1.8 रुपए का लेन देन अपने देश से किया गया है। लेकिन अब क्या है, 100 रुपए में केवल आधा रुपया यानी 50 पैसा ही लेन देन ही कर रहे हैं। ठीक है, सो अवर कंडीशन हैज वर्सेंड, हमारी कंडीशन अच्छी नहीं हुई है और ख़राब हुई है। दूसरे जो देश हैं उन्होंने ज़्यादा अच्छा हमसे काम किया। ठीक है, थर्ड पॉइंट, इट इज ओनली आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वाज इनिशिएटेड इन 1991, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो आई थी 1991 में। ठीक है, सो मेजर चेंज हैज बीन सीन आफ्टर 1991 व्हेन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड, जब नई आर्थिक नीति आई थी उसके बाद ही ज़्यादातर जो सुधार हैं वो दिखे हैं। ठीक है, इन 2017-18 इंडिया शेयर इन एक्सपोर्ट ट्रेड वाज 2.1% एंड इंपोर्ट ट्रेड इट वाज 2.6%। अब 2017-18 में भारत का निर्यात में शेयर 2.1% था और आयात में 2.6% था। तो ये इस टेबल के अकॉर्डिंग देखते हैं, यहाँ पे देखो 35,000, यहाँ पे अभी तक तो चेंज था वो 35,000, 17,000 टू 35, मतलब डबल हो गया है करीब। ठीक है, यहाँ पे बीच में डिक्लाइन भी हुआ, उसके पहले जो चेंज हो रहे थे वो डबल के करीब हो रहे थे, डबल से ऊपर नहीं हुए। अब इसके बाद देखो क्या चेंज हुआ, मोर देन 10 टाइम्स इन 1992 टू 1997। सी हियर, देयर इज अ चेंज मोर देन 10 टाइम्स, क्या 10 गुना से ज्यादा चेंज हुआ है। ठीक है, 11 गुना से भी ज्यादा चेंज हुआ है। तो ये सारा चेंज कब हुआ, जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई। अब इसके बाद भी देखो 2.5 टाइम्स का करीब चेंज आया है। So, next point, again, it is only after the initiation of economic reforms. तो हो गया economic reforms के बाद ही ज़्यादातर चेंज हुआ है, जो भी हमारे export और import हैं वो तेजी से बढ़े हैं। अब इसके बाद composition of foreign trade, विदेशी व्यापार के घटक। ठीक है, कंपोजिशन यानी घटक मीन्स द आइटम्स विच आर इंक्लूडेड इन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, जो वस्तुएं आयात और निर्यात में शामिल हैं। अब उनमें क्या चेंज आया है वो देखेंगे। सो फर्स्ट थिंग, डिक्लाइन इन द परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट। एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट मतलब जो भी कृषि से संबंधित निर्यात था उसमें कमी आई है। ठीक है, तो ये कमी आई है, इसमें कोई नेगेटिव बात नहीं है, मतलब कुछ इसमें नकारात्मक नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज
बिफोर इंडिपेंडेंस वी वर एक्सपोर्टिंग एग्रीकल्चरल गुड्स एज रॉ मटेरियल्स, नाउ दीज थिंग्स आर यूटिलाइज्ड इन द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज. बिफोर इंडिपेंडेंस अवर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज वर नॉट डेवलप्ड. हमारे जो घरेलू इंडस्ट्रीज हैं, मतलब जो जो विनिर्माण का क्षेत्र है, वो अपने देश की स्वतंत्रता के पूर्व ज़्यादा विकसित नहीं थे. तो हमारा जितना भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट था, जो भी कृषि संबंधी उत्पाद थे, वे सब दूसरे देशों को शेयर कर दिए, मतलब बेच दिए जाते थे. ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोर्ट इट फ्रॉम अवर कंट्री टू यूज दीज थिंग्स फॉर दियर ओन इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन. ब्रिटेन में जो भी इंडस्ट्रीज थी, उनके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ये सारी चीज़ों को लेके चली जाती थी, हम लोगों से मतलब आयात कर लेती थी. ठीक है. सेकेंड थिंग, देयर हैज़ बीन अ सब्सटेंशियल राइज इन द पॉपुलेशन ऑफ अवर कंट्री, सो वी नीड मोर एग्रीकल्चरल आउटपुट्स टू फीड अवर पॉपुलेशन. पहले हमारी पॉपुलेशन कम थी, पॉपुलेशन भी हमारी बढ़ गई, जनसंख्या भी बढ़ गई है, तो उनको पूरा करने के लिए ही ये सारे प्रोडक्ट्स यूज हो जा रहे हैं. ठीक है. तो इसलिए हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, इन सबका एक्सपोर्ट जो है कम हो गया है. सेकेंड पॉइंट, डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ कन्वेंशनल आइटम्स. जो पारंपरिक वस्तुएं थी, उनकी प्रतिशत हिस्सेदारी में कमी आई है. कन्वेंशनल आइटम ऑफ एक्सपोर्ट मीन्स जूट, टी, कॉटन, फूड ग्रेन, मिनरल्स एंड अदर हैंडमेड गुड्स एक्सेट्रा. द वैल्यू ऑफ दीज प्रोडक्ट्स इन एक्सपोर्ट हैज़ बीन डिक्लाइंड. ऐसी वस्तुएं जो पारंपरिक रूप से हम लोग बेचते थे, दूसरे देशों को निर्यात करते थे, जूट हो गया, कपास हो गए, चाय हो गए, जो खाद्यान्न हो गए, मिनरल हो गए, और जो आर्ट और आर्टिसन से रिलेटेड वर्क थे, कला से संबंधित जो भी वर्क थे, ज्वेलरी थी, वो सारे उन सारी वस्तुओं के शेयर में यानी निर्यात में हिस्सेदारी उनकी कम हो गई. लेकिन इसके साथ एक चीज और देखा गया कि जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थे, बनी बने वस्तुएं थे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स थे, उनकी शेयर में वृद्धि हुई. इंक्रीज इन द परसेंटेज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, जो हैंडमेड गुड्स एंड जो आर्ट से रिलेटेड वर्क थे, जो भी ट्रेडिशनल आइटम्स थे, उनका एक्सपोर्ट तो कम हुआ, बट देयर हैज बीन अ राइज इन द परसेंटेज शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. जो औद्योगिक उत्पादन थे, औद्योगिक उत्पादन की मात्रा में वृद्धि हुई. अब हम औद्योगिक उत्पादन को ज़्यादा सेल कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं. ठीक है. बिकॉज ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड देयर वर वेरी लेस मॉडर्न इंडस्ट्रीज, बट आफ्टर द इंडिपेंडेंस देयर हैज बीन सम डेवलपमेंट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ अवर कंट्री, सो वी आर सेलिंग मोर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. स्वतंत्रता के पूर्व हमारे देश में कोई भी आधुनिक उद्योग नहीं थे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद जब आधुनिक उद्योग हमारे विकसित होने लगे, उनका विकास होने लगा, तो हम उनसे बने उत्पादों को भी बेचना शुरू कर दिए, यानी उनका निर्यात बढ़ा दिए गए. प्रेजेंट टाइम में जेम्स, प्रीसियस मेटल्स, मशीनरी, व्हीकल्स, दीज ऑल थिंग्स आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया. हमारे देश से हर तरह की वस्तुएं आज सेल की जा रही हैं. बहुमूल्य धातुएं, रत्न, मशीनें भी, व्हीकल्स भी, बहुत सारे जो ट्रैक्टर्स है, ट्रैक्टर के प्रोडक्शन में इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है. थ्री व्हीलर्स वगैरह हैं, ये सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है इंडिया, अपने देश में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है और हम लोग सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं. तो इस तरह से हम लोग ने देखा कि काफ़ी ज़्यादा चेंज आया है किस पे, कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड.
विदेशी व्यापार से संबंधित वस्तुओं में बहुत ज़्यादा चेंज आया है। पहले क्या था, वी वर मेनली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, अवर इकोनॉमी वाज नोन एज एग्रेरियन इकोनॉमी। पिछ जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है पहले उसको कृषि अर्थव्यवस्था या कृषि आधारित अर्थव्यवस्था कहते थे, कृषि उत्पाद पे ही हम निर्भर थे, उन्हीं का ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे थे। पहले हमने पढ़ा था ना इनकम वाले कौन से 5 ईयर प्लान में डेवलपमेंट के बारे में पढ़े थे कि जो परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन GDP वाज मोर देन 50%। 1951 के पहले क्या था, GDP में एग्रीकल्चर का परसेंटेज शेयर 50% से ज़्यादा था। अब बाद में क्या हुआ, ये धीरे धीरे शेयर कम होता गया। क्यों कम होता गया, क्योंकि दूसरे इंडस्ट्रीज जो हैं डेवलप होने लगी। वाट इज आ नहीं होगा, यहाँ पे एन होगा। वाट इज एन एग्रेरियन इकोनॉमी, एन एग्रेरियन इकोनॉमी इज दैट टाइप ऑफ इकोनॉमी विच डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर मीन्स द थिंग्स विच आर प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ नेचर, विद द हेल्प ऑफ सॉइल, जो भी प्रकृति है या जो मिट्टी है उसकी मदद से जो भी उत्पादन होता है या नेचर से जो कुछ भी हमें मिलता है उससे रिलेटेड, उस पर डिपेंड, उस पर आधारित जो भी कार्य होते हैं वो सब कृषि से संबंधित कार्य कहलाते हैं। तो हमारा देश जो है था वो एक कृषि अर्थव्यवस्था था, हमारे ज़्यादातर वर्क जो थे इसी पर थे, ज़्यादातर पॉपुलेशन इंगेज थी इसी तरह के कामों में। इसमें माइनिंग इंडस्ट्री भी आती है, लाइव स्टॉक फार्मिंग भी आते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन भी आते हैं, फिशरीज भी आती है, ये सारी चीज़ें आते हैं, मत्स्य पालन, खनन, सारी चीज़ें आती हैं एग्रीकल्चर में। अब डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड, डायरेक्शन मीन्स दिशा टू विच कंट्री वी आर सेलिंग और बाइंग अवर प्रोडक्ट्स। हम किन देशों को अपने उत्पाद बेच रहे हैं या किन देशों से अपने उत्पाद खरीद रहे हैं। डायरेक्शन का मतलब कौन कौन सी दिशाओं में कहाँ कहाँ पे हमारा व्यापार फैला हुआ है। तो सिंस 1951 डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड हैज आल्सो अंडरगॉन अ सब्सटेंशियल चेंज। बिफोर 1951 आवर मेजर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट वाज डन विद ब्रिटिश गवर्नमेंट और कॉमनवेल्थ नेशंस। 1951 के पहले क्या था, हमारा ज़्यादातर जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट था 50% से ज़्यादा ब्रिटेन के साथ होता था, और बाकी जो कॉमनवेल्थ नेशंस थे, राष्ट्रमंडल के देश थे, उनके साथ हमारा व्यापार हो रहा था। बट नाउ आवर ट्रेडिंग पार्टनर्स मीन्स द कंट्रीज विद हुम वी आर ट्रेडिंग आर चेंज। अब वो सारे देश बदल गए हैं। नाउ वी आर एक्सपोर्टिंग टू मेनी कंट्रीज, अब बहुत से देशों को हम सेल कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स जो हैं बेच रहे हैं, बहुत देशों से खरीद रहे हैं। सो दिस शोज दैट आवर सिचुएशन इज स्ट्रॉन्गर, मीन्स वी हैव स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड इन इंटरनेशनल मार्केट। मतलब हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपने मजबूत जो जड़ें जमा ली, अपने मजबूत कदम रख लिए, या अच्छे ढंग से हम खड़े हुए हैं, स्टैंड हुए हैं। तो ये कॉमनवेल्थ नेशंस कौन से हैं, कॉमनवेल्थ नेशंस आर दोज नेशंस विच वर पार्ट ऑफ ब्रिटिश टेरिटरी इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ 20th century। 20वीं सदी के जो पहले हिस्से में अंग्रेजों ने जहाँ जहाँ पे अपना साम्राज्य फैला रखा था वो सारे आज स्वतंत्र होके नए देश बन गए हैं। तो वो सारे देश मिला के जो एक ग्रुप बनाए हैं जिन्हें बोलते हैं कॉमनवेल्थ नेशन, या राष्ट्रमंडल के देश बोलते हैं, वही राष्ट्रमंडल होता है। कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में भी सुना होगा, इन सब के बीच में गेम्स भी होते हैं, स्पोर्ट्स भी होते हैं। अब प्रेजेंट टाइम में कौन कौन से हमारे मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। तो इन प्रेजेंटली आवर मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स आर UAE, चाइना,
यूएसए, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, हांगकांग, कोरिया, इंडोनेशिया, यूके, जापान एंड बेल्जियम, दीज आर द नेशंस विद विच वी आर एक्सपोर्टिंग एंड इम्पोर्टिंग इन लार्जर क्वान्टिटी, मीन्स दीज आर लार्जर पार्टनर्स ऑफ अवर ट्रेड। हमारे देश के ये बड़े बड़े हिस्सेदार हैं, बड़े बड़े सहयोगी हैं, जिन्हें हम ज़्यादा मात्रा में या तो निर्यात करते हैं या आयात करते हैं। अब तो इससे हमें पता चल रहा है कि 1951 के पहले से अब तक काफ़ी चेंज आ गया है, ठीक है। बिफोर 1951 वी वर सेलिंग और बाइंग फ्रॉम यूके, यूएसए एंड कॉमनवेल्थ नेशन। थर्ड पॉइंट, अ नोटेबल फीचर ऑफ द डायरेक्शन पैटर्न ऑफ India's foreign trade is that in the recent years UAE has emerged as our larger leading trading partner. यहाँ पे हमारा जो export की value के देखा जाए, यहाँ पे export share of different countries in India's export, तो export में देखा जाए तो UAE अब हमारे देश का एक बड़ा साझेदार बन रहा है, व्यापारिक हिस्सेदार बन रहा है, ठीक है। Till 2007-2008 USA was our leading partner, means most of the export and import activities were done with USA till 2007-8. From late 1990s, जो late 1990s का time है, 1990 के दशक के अंतिम part से लेके 2007-8 तक USA हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था, लेकिन हाल के वर्षों में, अभी के वर्षों में देख रहे हैं कि यूएई जो है वो भी एक बहुत बड़ा सहयोगी हमारा बन रहा है, ठीक है। तो यूएसए जो है वो फर्स्ट सबसे बड़ा था, उसके बाद यूएई है, उसके बाद थर्ड पर आ रहा है चाइना। में सबसे ज़्यादा हमारा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट यूएसए से हो रहा है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट दोनों मिला के, ठीक है। USA is the largest trading partner of India, then at second place UAE, at third place China till 2007-8. 2007-8 तक ऐसा था, सबसे बड़ा था USA, फिर था UAE और फिर China, जहाँ से सबसे ज़्यादा आयात निर्यात होता था। अब USA share in India's export during 2018-19 वार रिकॉर्डेड 15.9%। ये जो बगल में पाई चार्ट बना हुआ है, यूएसए 15.9% सबसे ज़्यादा हमारे देश से क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट करवा रहा है, मतलब वो खरीद रहा है, हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग सबसे ज़्यादा निर्यात कर रहे हैं यूएसए को। सेकेंड प्लेस में 9.1 यूएई, थर्ड 5.1 चाइना एंड अदर 69.9%। तो इस तरह से हमारा एक जो एक्सपोर्ट की कंडीशन है, या एक्सपोर्ट के जो सबसे बड़े बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं वो हैं यूएसए, चाइना और यूएसए, यूएई और चाइना। अब इंपोर्ट में देखें, एज पर एज इंडियाज इंपोर्ट लार्जेस्ट इन, वी आर इंपोर्टिंग फ्रॉम चाइना इन लार्जेस्ट वैल्यू और लार्जेस्ट क्वांटिटी, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में या सबसे ज़्यादा मूल्य उसमें वस्तुओं को खरीद रहे हैं, आयात कर रहे हैं। तो इंपोर्ट का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर हुआ हमारा चाइना, देन से यूएसए 6.9%, सऊदी अरेबिया 5.6%, स्विट्जरलैंड 3.5%, अदर्स 70.3%। तो सऊदी अरेबिया से भी बहुत ज़्यादा खरीदारी हो रही है, क्योंकि पेट्रोलियम से रिलेटेड जो गुड्स हैं उधर से आते हैं। फोर्थ पॉइंट, सऊदी अरेबिया हैज आल्सो इमर्ज एज अवर सिग्निफिकेंट ट्रेडिंग पार्टनर रिकॉर्डिंग अबाउट 4% शेयर इन इंडियाज फॉरेन ट्रेड बिटवीन 2010-11 and 2018-19 से लेकर 2018-19 के बीच में सऊदी अरेबिया भी हमारा एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार बन गया है। और ये क्या कर रहा था, इसकी जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर हिस्सेदारी है वो 4% है, यहाँ पे केवल इंपोर्ट का दिया है, ठीक है। 5.6% इज ओनली वैल्यू ऑफ
इम्पोर्ट, शेयर ऑफ इम्पोर्ट्स आप सऊदी अरेबिया, केवल इम्पोर्ट का है, लेकिन इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों का मिला दे तो 4% है आयात और निर्यात। सेवेंथ पॉइंट, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट इन द वेक ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड फ्री ट्रेड, अब जो प्रेजेंट टाइप में ग्लोबलाइजेशन और फ्री ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीयकरण, भूमंडलीकरण और मुक्त व्यापार का जो टाइम चल रहा है, वी कैन सी दैट चाइनीज गुड्स हैव डोमिनेटेड इंडियन मार्केट्स मच मोर देन इंडियन गुड्स इन द चाइनीज मार्केट। चाइना के जो उत्पाद हैं उन्होंने भारत के बाजार को, जितना भारतीय वस्तुओं ने चाइनीज बाजार को कवर किया है उससे ज़्यादा कवर कर लिया है, अपना प्रभुत्व बना लिया है। प्रभुत्व का मतलब एक, मतलब उनकी जो सिचुएशन है काफ़ी स्ट्रांग हो गई है, डोमिनेट कर रहे हैं, मतलब जो भी गुड्स वगैरह हैं वो ज़्यादातर सब चाइना से ही खरीदे जा रहे हैं। सो देयर इज अ अनफेवरेबल ट्रेड बैलेंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इंडिया और चाइना के बीच में जो ट्रेड बैलेंस है वो अनफेवरेबल है, मीन्स वी आर इम्पोर्टिंग मोर फ्रॉम चाइना एंड एक्सपोर्टिंग लेस, वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट इज मोर फ्रॉम चाइना एंड एक्सपोर्ट इज लेस। चाइना से जो इम्पोर्ट हो रहा है, इम्पोर्ट कर रहे हैं हम लोग, वो ज़्यादा है, उसका मान ज़्यादा है, और जो निर्यात कर रहे हैं चाइना को उसका मान कम है। अभी तक किसी को कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, किसी को कुछ पूछना है अभी तक? अगर कोई समस्या है नहीं है फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब 1991, अ ईयर ऑफ डिवाइड, एक हमने और पढ़ा था अ ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड हमने पढ़ा था कहीं पे, किसी को पता है तो बताए, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, मान विभाजक वर्ष। है कोई जानता है? महान विभाजक वर्ष कौन सा है और क्या है ये चीज, महान विभाजक वर्ष क्या है, किस चीज को बोलते हैं? नहीं पता है किसी को? फर्स्ट चैप्टर में आया था पॉपुलेशन वाला जो था, उसके बारे में जब पढ़ रहे थे, चेंज इन पॉपुलेशन, नीरज, नवनीत, ओम प्रकाश, नहीं पता है किसी को? द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ओम प्रकाश नहीं पता है? 1921 ईयर था, 1921, सही बात है, बिल्कुल सही जवाब है। अब लेकिन ये क्या था, ये क्या शो करता था, कोई अब बता सकता है? छोटू, मुस्कान, नहीं पता है? देखो 1921 के पहले क्या था, पॉपुलेशन हमारी कभी बढ़ती थी कभी घटती थी, और 1921 के बाद क्या हुआ, ये हमेशा बढ़ती ही रही, घटने का काम खत्म कर दिया, तो इसलिए इसको बोलते थे ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ठीक है, और ये है ईयर ऑफ डिवाइड, ग्रेट नहीं है, इसमें ग्रेट नहीं लगा है, ईयर ऑफ डिवाइड 1991, ये था 1921 जो पॉपुलेशन से रिलेटेड डिवाइड दिखाता है, अंतर दिखाता है, महान विभाजक वर्ष। और ये महान विभाजक वर्ष नहीं है, महान विभाजक वर्ष है। ठीक है, तो अब यह क्या विभाजन, कौन सा विभाजन दिखाता है, ये हमारा जो चेंज हो रहा है हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में उसको दिखाता है, कि कब किस टाइम से, किस पॉइंट ऑफ टाइम से हमारे देश में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में बहुत तेज परिवर्तन आ गया है। स्क्रीन दिख रही है ना सबको? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, सो बिफोर 1990 देयर वाज
very nominal change in the export and import. We were increasing the volume of trade, but the change was not so high. 1990 के पहले हम जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ चेंज ला रहे थे, हमारी जो स्थिति थी वो सुधर रही थी, हमारे व्यापार की मात्रा धीरे धीरे बढ़ रही थी, बहुत तेजी से नहीं बढ़ रही थी. बट आफ्टर 1991 देयर हैज बीन अ सब्सटेंशियल चेंज. द चेंज इन इंटरनेशनल ट्रेड वॉज वेरी हाई. 1991 के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत तेजी से परिवर्तन शुरू हो गया. अब हल्का फुल्का परिवर्तन पहले की तरह नहीं था. तो ऐसा क्यों हुआ, क्या स्ट्रेटजी हमारी परिवर्तित हुई? तो 1991 से हमने नई इकोनॉमिक पॉलिसी लाई, उसमें उसके अकॉर्डिंग देखो टिल 1990 वी वर रिलाइंग ऑन डिफरेंट ट्रेड स्ट्रेटजी. 1990 तक हमारा जो ट्रेड स्ट्रेटजी थी अलग थी, हमारी जो रणनीति थी व्यापार संबंधी रणनीति बिल्कुल अलग थी. अब क्या थी 1990 तक, वी वर रिलाइंग ऑन इनवार्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी और इनवार्ड ट्रेड पॉलिसी जो भी थी वो हम अपना रहे थे. एंड बाय दिस पॉलिसी वी वर नॉट एबल टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट. इस पॉलिसी से हमें जो वांछनीय रिजल्ट थे, जैसे हमें रिजल्ट चाहिए थे वैसे परिणाम हमें नहीं मिल पाए. इनवार्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी मीन्स टू सीक फॉर सब्स्टिट्यूट्स ऑफ दोज गुड्स विच वर इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज इन साइड अवर कंट्री. जिन वस्तुओं को हम दूसरे देशों से आयात कर रहे थे उनके प्रतिस्थापक वस्तुओं को अपने देश के अंदर ढूंढना, इनवार्ड मतलब अपने देश के अंदर देखना, उनके सब्स्टिट्यूट तैयार करना. तो इससे क्या होता था, जो हमें इंपोर्ट करना है वो अपने देश में मिलेगा तो हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, इंपोर्ट की बजाय अपने देश की इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी, उनको बढ़ावा मिलेगा. इट वॉज ओनली इन 1991 दैट वी शिफ्टेड टू द स्ट्रेटजी ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन विच ट्रिगर्ड अ राइज इन आवर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. 1991 के बाद से हमने इनवार्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी को खत्म करके एक्सपोर्ट प्रमोशन वाली स्ट्रेटजी अपनाई, निर्यात को हमने बढ़ावा देने की नीति अपनाई, जिसकी वजह से निर्यात भी बढ़ा और आयात बढ़ा. अब जैसे ये चाइना है, चाइना इज अ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री, या जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है मतलब ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करती है जो वो एक्सपोर्ट कर सके, इसका जो मुख्य ध्यान है निर्यात वर्धक वस्तुओं का उत्पादन करने में है, वैसा अपने देश में नहीं था पहले. अब इनवार्ड लुकिंग पॉलिसी क्या होती है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी क्या होती है. इनवार्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी रिफर्स टू द पॉलिसी ऑफ रिलायंस ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, मींस टू सीक फॉर दोज प्रोडक्ट्स इनसाइड द कंट्री विच कैन सब्स्टिट्यूट दोज गुड्स which we had to buy from other country and to protect the domestic industry through imports. By import restrictions and import duties etc. देखो ये अंतर्देशीय व्यापार नीति में क्या होता था, हम ऐसी वस्तुओं के प्रतिस्थापन घरेलू क्षेत्र में देखते थे जो कि हमें आयात करनी पड़ती हैं, साथ में घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाते थे. कैसे बचाते थे, कुछ उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगा के, बाधाएं लगा के, जैसे इंपोर्ट ड्यूटी है, इंपोर्ट ड्यूटी मतलब इंपोर्ट टैक्स, और क्वांटिटेटिव
रिस्ट्रिक्शंस भी लगाते थे, मात्रात्मक प्रतिबंध भी लगाते थे, उनके जरिए हम इम्पोर्ट को मतलब रोक कर इम्पोर्ट कम करके अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते थे। तो आप एक्सपोर्ट नहीं मतलब मेनली डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाना चाहते थे, इम्पोर्ट कम करना चाहते थे, आयात कम करना चाहते थे, घरेलू क्षेत्र की इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाना चाहते थे। अब ये इम्पोर्ट ड्यूटीज क्या होती हैं? ड्यूटीज का मतलब टैक्स, ठीक है। प्रोटेक्शन फ्रॉम इम्पोर्ट्स टू टू फॉर्म, प्रोटेक्शन का मतलब संरक्षण, आयातों से संरक्षण दो तरीके से होता था। घरेलू अर्थव्यवस्था जो थी उनके उद्योगों को संरक्षण देते थे इम्पोर्टेड गुड्स से या इंटरनेशनल प्रोडक्ट से, इंटरनेशनल कंपनीज मल्टीनेशनल कंपनीज से। कैसे करते थे? फर्स्ट टेरिफ पॉलिसी से। टेरिफ पॉलिसी मीन्स द पॉलिसी ऑफ इम्पोर्ट टैक्स एंड एक्सपोर्ट टैक्स, आयात कर और निर्यात कर की जो पॉलिसी है, नीति है, उसे बोलते हैं टेरिफ पॉलिसी या तटकर नीति। हिंदी में टेरिफ्स को बोलते हैं तटकर। तटकर यानी तट तो सबको पता है ना, एक देश का जो तट होता है, तो तटकर एक दूसरे के बाउंड्री में जब भी कोई गुड आएगा तो उसके लिए जो टैक्सेशन की पॉलिसी है उसे बोलते हैं तटकर की पॉलिसी या टैरिफ पॉलिसी। सो ऑन इम्पोर्टेड गुड्स टैरिफ वाज वेरी हाई सो दैट द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज मे नॉट फेस हार्ड कंपटीशन फ्रॉम फॉरेन प्रोडक्ट्स। जो भी आयातित वस्तुएं थी उसमें बहुत ज़्यादा आयात कर लगाया जाता था ताकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारे देश की जो उद्योगों से बनी वस्तुएं हैं, हमारे देश की जो कंपनियां हैं, उन्हें विदेशी वस्तुओं से ज़्यादा कठिन अब प्रतिस्पर्धा का सामना ना करना पड़े, ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरी पॉलिसी है, दूसरी पॉलिसी में क्या था? कोटाज, कोटा मीन्स क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, मात्रात्मक प्रतिबंध। कोटा को बोलते हैं मात्रात्मक प्रतिबंध, ठीक है। ये होता है कोटा। तो कोटा के अंदर अंतर्गत क्या होता है? द गवर्नमेंट फिक्सेस द मैक्सिमम वैल्यू और मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट कैन बी इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्री। विदेशों से, दूसरे देशों से जो भी वस्तुओं को हमें आयात करना है, उनकी मात्रा या उनकी मूल्य की अधिकतम सीमा का निर्धारण कर दिया जाता था। एंड नो वन कैन इम्पोर्ट मोर देन दैट वैल्यू और क्वांटिटी, जो भी मात्रा या जो भी मान है, जो भी मतलब दोनों तरह से हो सकता है, मात्रा भी लगा सकते हैं या मान भी लगा सकते हैं, तो दोनों में जो भी लगाया गया है उससे ज़्यादा मात्रा या उससे ज़्यादा मान की वस्तुओं को नहीं खरीद सकता था कोई भी इम्पोर्टर। अब फर्स्ट पॉइंट, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन इम्प्लाई डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच द इकोनॉमी हैज बीन इम्पोर्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये तो अब सबको समझ में आ गया, जिन वस्तुओं को हम दूसरे देशों से खरीद रहे थे उनको अपने देश में बनाएं, उनको अपने देश में उत्पादित करें। सो वी कैन सेव अवर फॉरेन एक्सचेंज, मीन्स नाउ वी डोंट नीड टू बाई दोज प्रोडक्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड वी कैन सेव फॉरेन एक्सचेंज। हम अब उन वस्तुओं को दूसरे देशों से नहीं खरीदेंगे क्योंकि अपने देश में बन रही है, तो हमारा जो विदेशी विनिमय है, विदेशी मुद्रा है, वो सेव होगा, बचेगा। सेकेंड थिंग, फॉरेन एक्सचेंज बीइंग एक्सट्रीमली स्केयर वाज टू बी यूटिलाइज फॉर डेवलपमेंट इम्पोर्ट्स। अब जो फॉरेन एक्सचेंज बचेगा उसको हम क्या करेंगे? वी विल यूज इट फॉर डेवलपमेंटल इम्पोर्ट्स, मीन्स वी विल बाई हैवी मशीनरीज, प्लांट्स एक्सेट्रा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डोमेस्टिक गुड्स,
फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। अब हम क्या करेंगे, जो धन बचा है उससे हम दूसरे देशों से ऐसे प्लांट और मशीनी खरीदेंगे जो आगे घरेलू क्षेत्र में घरेलू उद्योगों को बढ़ावा दे, जिनसे घरेलू उद्योगों का विकास हो और वे उत्पादन की प्रक्रिया में आगे प्रयोग की जा सकें। ठीक है, तो इनसे टेक्निकल वस्तुएं, नई जो टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, उसको हम खरीदेंगे, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज हमें चाहिए अगर दूसरे देशों से कुछ खरीदना है। और अपने देश को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन करना है तो फिर हमें मशीनी चाहिए, मशीनी चाहिए तो हमें इम्पोर्ट करना पड़ेगा। बाई अडॉप्टिंग इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी द गवर्नमेंट प्रिपेयर टू इकोनोमाइज द यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज थ्रू इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। अब जो भी हमारी जो पॉलिसी थी इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी, तो उसका मेन पर्पस क्या था, हमारे पास जो भी फॉरेन एक्सचेंज है उसको इकोनोमाइज किया जाए, मतलब उसको ध्यान से खर्च किया जाए, बचत करके कंजूसी से खर्च किया जाए, यानी जहां जरूरत है वहीं पे खर्च किया जाए। ठीक है, बट वी डिड नॉट गिव अटेंशन, वी डिड नॉट पे अटेंशन ऑन मैक्सिमाइजेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। हमने विदेशी मुद्रा या विदेशी मुद्रा को बढ़ाने या फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ाने में, विदेशी विनिमय को बढ़ाने में ध्यान नहीं दिया। हमारा ध्यान नहीं था कि हम विदेशी मुद्रा को बढ़ाएं, फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ाएं बाय एक्सपोर्ट प्रमोशन, निर्यात उन्मूलक क्रियाओं द्वारा, या निर्यात को बढ़ाकर हम विदेशी मुद्रा कमाएं, इसके बारे में ध्यान नहीं दिया था। बस इस पर ध्यान दिया कि आयात कम करें और पैसा बचाएं, धन बचाएं, निर्यात बढ़ा के धन कमाई वाला नहीं सोचा था हमने, इसलिए ये पॉलिसी बाद में फेल हो जाती है। आल्सो द गवर्नमेंट वांटेड टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम इंटरनेशनल कंपटीशन। साथ में सरकार घरेलू अर्थव्यवस्था को, घरेलू उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से बचाना चाहती थी, तो इसे प्रोटेक्शन की पॉलिसी भी बोलते हैं, पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन या संरक्षणवाद की नीति। इसमें क्या करते हैं, घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाते हैं ताकि वे आगे बढ़ें, डेवलप हों। अब इसके बाद ये बचा हुआ है, इसको आप कल ही पढ़ेंगे। ठीक है, दो पॉइंट हैं, ये यही चीज़ है जो थर्ड वाले में बताया है हमने। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन में हमने क्या दिखा, क्या ध्यान दिया कि फॉरेन एक्सचेंज को सेव करना है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को इंकरेज करना है। ठीक है, वी हैव टू सेव फॉरेन एक्सचेंज बाय डेवलपिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज एंड यूज द सेव्ड मनी फ्रॉम द परचेज ऑफ डोमेस्टिक गुड इंस्टेड ऑफ फॉरेन गुड्स फॉर दोज गुड्स विच आर यूटिलाइज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। अब हम जो भी धन बचाएंगे अपने देश की बनी हुई वस्तुओं को खरीद के, बजाय इसके कि हम दूसरे देश की वस्तुएं खरीदें, तो जो भी धन बचेगा, फॉरेन एक्सचेंज बचेगा, उसका हम प्रयोग करेंगे विदेशों से ऐसे वस्तुओं को लाने में जो हमारे देश में पूंजी बढ़ाए, यानी पूंजीगत वस्तुएं या नई टेक्नोलॉजी को खरीदने में प्रयोग करेंगे। लेकिन हमने एक्सपोर्ट प्रमोशन को नहीं अपनाया। ठीक है, पॉलिसी ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन इज द स्ट्रेटजी टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज थ्रू एक्सपोर्ट बाय प्रमोटिंग एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देकर जिस नीति के जरिए हम दूसरे देशों से धन कमा सकते हैं, विदेशी विनिमय कमा सकते हैं, उसके बारे में हमने ध्यान नहीं दिया है, तो इसलिए हमें ये पॉलिसी फिर बदलनी पड़ी 1991 में। एक्सपोर्ट प्रमोशन की पॉलिसी फिर 1991 में अपनाई गई। ठीक है, तो अभी आज के लिए इतना। अब जिसको